सब्सक्राइब कीजिए लर्न सबको चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुड़ा आपका स्वागत करता हूँ लर्न सबको .in पे। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक रोचक जानकारी के साथ। जानकारी ये कि हवाई जहाजों पर सफ़ेद रंग का पेंटिंग क्यों किया जाता है। दोस्तों आपने हवाई जहाजों को आसमान में उड़ते देखा होगा, फिल्मों में देखा हो सकता है कि आपने उन्हें रियल में भी देखा हो, और आपने कभी ध्यान दिया है कि इन पर सफ़ेद कलर का ही पेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे हवाई जहाज सफ़ेद कलर के होते हैं, लेकिन अधिकतर हवाई जहाज़ों पर सफ़ेद रंग का ही पेंट किया जाता है। तो आपने कभी सोचा है इसके पीछे क्या कारण है? तो आज हम इसी तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हवाई जहाज़ को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है कि हवाई जहाज सूर्य की किरणों में काफ़ी नज़दीक उड़ते हैं, और इन्हें सूर्य की किरणों से बचाने के लिए इन पर सफ़ेद कलर का पेंट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों सफ़ेद कलर का रंग ऊष्मा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे हवाई जहाज की बाहरी सतह गर्म नहीं होती और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को नुकसान नहीं होता। अब दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा कारण है कि जब हवाई जहाज कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इन्हें ढूंढने में बहुत आसानी होती है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सफ़ेद रंग ऊष्मा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सारी किरणों को परावर्तित कर देता है, और जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इस पर जब रोशनी डाली जाती है तो ये परावर्तित होने के कारण इन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। और दोस्तों तीसरा कारण ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद रंग दूसरे रंगों की अपेक्षा हल्का होता है, जिससे हवाई जहाज काफ़ी ऊंचाई तक और कम ईंधन के साथ उड़ सकते हैं। आशा है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि हवाई जहाज़ों पर सफ़ेद रंग का पेंट क्यों किया जाता है। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।